भाई घने वो लग रहे हो अमीर अमीर खानदान के बालक। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइज। आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होगे, मजे कर रहे होगे। भाई मेरे को पता है तुम प्रपोजल वाले व्लॉग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, लेकिन यार मैं क्या करूं, जिससे मैंने शूट करवाया था उन भाइयों ने अभी तक मेरे को दिया नहीं है सारा डेटा। जब मेरे को मिल जाएगा तो मैं सोच रहा हूं थोड़ा ढंग से डाल दूं अब, वरना फिर मेरे को जल्दी जल्दी मैसेज डालना पड़ेगा। जो फोन से एक आध क्लिप शूट हो रखी है वो डालनी पड़ेगी, फिर वो साफ सी भी नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो। इस व्लॉग के बाद जो अगला व्लॉग डालूंगा वो प्रपोजल वाला ही डाल दूंगा। एक तो उसमें मेरे को शर्म सी भी आ रही है, मैंने कहा यार ये कैसे है, मतलब सारी चीज़ें एडिट करके अच्छी लगनी चाहिए तब डालूंगा ना, मतलब बढ़िया, मतलब नॉर्मल हल्की चीज़ नहीं बढ़िया चीज़ ही डालेंगे। तो वो वाला काम एक तो वो निपटाएंगे फिलहाल। उससे पहले मैं एक बार क्या नाम है, एलविश ने गाड़ी ली है भाई नई, कौन सी ली है, पोर्शा बोलते हैं जो भी है वो वाली गाड़ी ली है। कौन सी ली है कैसी ली है भाई वो तुम अभी मैं चलूंगा तब देख लेना। मैंने अपने देखे अभी तक उसका फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी ली है, आ जा तेरे को टेस्ट ड्राइव दिलवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई आ रहा हूँ, तो पहले वहाँ चलते हैं उसके बाद फिर बाकी काम निपटाएंगे, ठीक है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई देखियो खड़े, अलग ही फील ही अलग आ गई, दूर से ही अलग लुक आ गई भाई साहब, खतरनाक लोग। मैं कैद करना चाहता हूँ, रेडी ब्रदर, एकदम उड़ तो ना जाएगी भाई, उड़ेयो भाई बहुत। तुमने तो खैर ले ली है वाली व्हील, मेरे लिए अजीब है एकदम, देख रहा हूँ भाई बहुत गदर लग रही है भाई, बहुत ज्यादा एक नंबर। ना सोच ना सके वो हो गया आउट ऑफ द लीग हो गया इसमें बैठने के बाद भाई, ऐसा लग रहा है जैसे भी नहीं कर रहा रेसिंग कार जो ऐसी वाली क्या बोलते हो ना जो वैसे चलान जाएगा ना छोटी ऐसी, मतलब गदर, हाँ वैसी वाली लग रही है भाई, स्पोर्ट्स कार तो है वो, एक नंबर लग रही है। कितने की देवे? 10-11। अच्छा जी, तो ये तो बहुत सही है एवरेज भी। चले किस तरह रही हो, मतलब पेट्रोल है डीजल है क्या, ये डीजल ही होगी, पेट्रोल है बहुत तगड़ी गाइस। तो मैं दिखा दूं क्या, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब जो BMW भी है वो भी बहुत ऊंची है इसके सामने, है ना, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे जमीन पे बैठ गया हूं। तो मैं तो दिखा ऐसे देख कितनी ऊंची लग रही है, हां इसके पीछे लगा दे, मैं बता तो रहा हूं साइड में लगा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ट्रक वाले से बात कर रहे हैं, बहुत ऊंची फील आ रही है भाई। मतलब ये भाई बाहर से इसका शीशा ऐसे रहे कुछ शीशा आवे जाओ, भाई घने वो लग रहे हो अमीर अमीर खानदान के बालक। एलविश सिंघानिया, मनीष मल्होत्रा। ले भाई खुली में ज्यादा स्वाद आवे, पैक हो गए पैक, ये देखो लुक यहाँ गाइस, कमेंट कर दो कैसी लग रही है गाइस। इसको बंद कर दिया है, छत ढक दी है, ठीक है, अगर उससे बचने के लिए है सिर्फ, ठंड से बचने के लिए, लेकिन बारिश बस नहीं, लेकिन ठंड वैसे लगती नहीं है इंसान को जब इतने उसमें महंगी गाड़ी में बैठो तो पैसे गर्मी बने रहा अंदर। नंबर तो खैर इसने अभी ये पुराना ही है, नंबर चेंज करो, नंबर ना, ये अपनी गाड़ी ना है, अपनी गाड़ी तो है 426 नंबर की है, तो ये अपनी ना है, सेम है पर अपनी दूसरी है, सेम है बिल्कुल, सही बात आ रहा है यार, ये तो इतना खुश करके तुमने वो कर दिया यार है। ना ना अपनी भी ऐसी है बिल्कुल बिल्कुल सेम, यो ये बस, अच्छा नंबर हटा चेंज कर लो बस, ये समझ लो। अच्छा ये सारी बात आज वाले व्लॉग में बता रखी है तुमने, मैंने अभी आज वाले देखा ना, तो भाई कदर चीज है भाई तेरी कसम, और मेरे देखो कहाँ आएगी हो, मेरे यहाँ आएगी हो। सुन इसके ऊपर ऐसा कूद जाएगा, ऐसा दूर तो भागता आदमी कूद सके इसके ऊपर, ना इतनी वो है मतलब नीचे है बिल्कुल, और इसका इंजन भी यहाँ बता रहा है, पिछला कहीं बता रहा है, अंदर जाके कहीं पीछे भी ना है, खाली है आगे भी खाली है, एवरेज की तो इतने तो मेरी योजना देवे, पांच देवे जो पांच देवे मस्टैंग है वो। इसमें वो करवा रखा ना टायर वायर के चक्कर में वो रखा भाई, घनी तगड़ी गाड़ी है भाई, गजब, ज्यादा महंगी है ना, और इसकी चाबी भी ऐसी है गाड़ी जैसी देखी। चलो भाई टेस्ट ड्राइव लेते हैं भाई, इसकी छत तो खोल पहले एक बार, छत खोल के ही लेंगे, पी पेडल के खुल जाएगी। चलो तो चलो गाइस, बहुत ऐसा लगा जैसे जमीन में ही घुस गए, देखना ऐसा सा सीन है, क्या OTP आ रहे हैं, बड़ा बोलेंगे थोड़े से ऊपर आवाज कर गए और वहाँ पे लगे चाबी, अब वहाँ लगे थे चाबी लगेगी इसकी, उसमें गाड़ी जैसी शेप छप रही होगी एक, यो अपना आप घुस जाएगी, किंग एंड मू करो इसका इधर ऐसे, हाँ ऐसे घुसेड़ के घुसेड़ो, घुसेड़गी हाँ घुसेड़गी होगी और अंदर जाएगी, जबरदस्ती घुसा दूँ क्या, हाँ गई, अब उस ब्रेक पे दबाओ और इसने नो कर दो, ऑन कर दो इसे, एक सेकंड देख लूँ नीचे तो, मैं आँख से देख लूँगा तो चले जाएगी, हाँ अब इसे ऑन कर दो,
बेटे अब छोड़ तू ब्रेक है, पार्किंग पे लगा रखी होगी ना। पीप है, अब मैं इसको खोल दूं जरा। खोल दे भाई, अब ले भाई रिच फील ले लो, रिच फील ले लो गाइस। यार पीले रंग की जैकेट पहन करनी चाहिए थी, मैं मैच कर गया था गाड़ी के साथ। ले भाई ले पकड़ियो एक बार भाई, एक मेरी वो बढ़िया सी। गाने भी चल रहे हैं मेरे फोन में। सुन इसमें नॉर्मली है ना, जैसे BMW का है वैसे ही है। हाँ दबा के उसने साड़ी ना डीप पे कर दी इसमें। यो दबा के ये यो लग गई डीप। हाँ इसमें निशान ना आता क्या, कहाँ लगी? हाँ हाँ राड़ी। अच्छा जी, अरे आजा बैठ ले बैठ ले हमारे सिर पे। तो बहुत वैसे दिक्कत है इसमें, तो कोई वैसे हो कि दोस्त और गर्लफ्रेंड वाला चक्कर फंस जाए, एक जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। गोली ना दे सके गाइस इसमें, इसीलिए दोस्त कम हो जाते हैं पैसा आने के बाद। दो सीटर में किस किसने बैठाएंगे। हाँ खींच कर लूँ क्या भाई, देख लो अपने हिसाब। बाल उड़ रहे हैं मांस। ये रहा सीट बेल्ट की आवाज आई। हाँ ये तो सीट बेल्ट की आवाज है भाई, ये देख तो रहे होंगे सब है जब से तुम चला रहे हो तो। सॉरी ए टू जेड, क्या खिलौना सा लेके मैं भी बीच में एक जगह फंस गया हूं। बालक भाग लिए इसके पीछे, कल कुत्ते भाग लिए, मुझे लगा कुत्ते कूद के अंदर ना आ जाओ। अच्छा मुझे कुत्ते और बालक अलग अलग है क्या? हाँ कुत्ते अलग बालक अलग, ये देख लो ना बालक। ये रे अरे बेटा, अरे मेरी गाड़ी का आगे बार बार फुटबॉल मारा है। दो बार देख लिए मैंने भाई। और नीचे का कैसे अंदाजा होगा अब तक तेरे को? गणी नीचे ना है, नॉर्मल है। अच्छा जी। हाँ जैसे यहाँ है, यहाँ तो आराम तो उतारनी, पर सीधी उतारनी कोई दिक्कत ना है, ना टच छोड़ने की जरूरत ना है। यहाँ क्यों जरूरत है? थोड़ा सा ऐसा काट कर लेनी पड़े ना। देख ना ना, वो तो ऊंचे ब्रेक रोप है। पकड़ के मारते, मतलब इतने उसके पीछे लगा रखी थी वैगनार इसने, जबरदस्ती करा पकड़ेंगे रेंज रोवर गाड़ी थी। फिर वो जब जहाँ पहुंचा ना, वहाँ 40-50 बालक पहले तैयार खड़े थे, तो इसलिए मैं वापस मोड़ ली, वो बात अलग है। पर वैगनार से कौन सी है भाई, कौन सा मॉडल है? वैगनार से पोर्श 718 बॉक्सस्टर तक का सफर। और इसे कहें पोर्शा, एक नंबर लगा उससे। वैगनार से वरना से ऑडी, ऑडी से फॉर्च्यूनर से ये पोर्शा 718। और अभी फिर इससे अभी तो सफर वो है, टू भी कंटिन्यूड चल रही है अभी है। अभी तो उसमें हम स्ट्रगल में। अगर मैं इंस्टाग्रामर होता तो मैं वैसे बना देता, यहाँ तो ऐसे रील दिखा के और फिर सीधा ऐसे गाड़ी भी दिखा देता, पर मैं हूँ नहीं, तो मैं ऐसे ही देख लो। तो गाइज अपना निकल लिए हम, ठीक है। मेरे को एक दो जो कपड़े मैंने सिला के सब कुछ हो गया, वो बस उठा के लाने हैं। दोनों गाड़ी लेके जा रहे हैं वो, उसमें दो टू सीटर ही है तो उसमें कोई ऑप्शन है नहीं, और फिर वो लेके जानी जरूरी है, तो मैंने कहा दोनों अलग अलग गाड़ी में चलते हैं। कोई बात ना बेटा, स्कॉर्पियो तो भी बड़ी हो जाएगी दुबई जाके, यहाँ ना करना चाह रहा मैं इसे। लेकिन भाई गाड़ी ऐसा है, मतलब ये समझ लो जैसे छोटे बालक ना रह करें कि अरे लग ना जाए, वो ना हो जाते हैं कैसे है क्यों, जैसे मतलब बहुत संभाल कर रखनी पड़ेगी। और मेरे जैसे आदमी के ऊपर तो बिल्कुल कामयाब ना, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा वो है कि गाने तेज चलाओ और गड्ढे वड्ढे में ऐसी चलाने दो गाड़ी, अपना आप जो भी होएगा वो बाद में जतन देख लेगा। मेरा वैसा नेचर हो चुका है, मेरे को पता है, पर तगड़ी चीज़ है भाई, बढ़िया लग रही है गाड़ी, एक नंबर। देख लो पीछे से कैसे जाती हुई शरीफ गाड़ी लग रही है बिल्कुल। गाइज थोड़ा सा चेंज इन प्लान हो गया, मैं एक बार घर चला गया था, मैंने कहा चल जैकेट वैकेट पहन लूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ना वैसे घूम रहा था। दोपहर के टाइम ठीक था, धूप थी, लेकिन उसके बाद जो ठंड सी हुई, फिर उसके बाद जो एयर विशोर थे वो निकल गए, मैं चला गया विकास भाई और से मिलने के लिए, और फिर उनसे मिल के मैं वहाँ व्लॉग भी शूट ना करा यार, कुछ बताओ मतलब ऐसी नॉर्मल बातचीत करने गए थे, कुछ थोड़े बहुत घर मतलब घर की कह रहा हूँ काम से रिलेटेड कुछ बातें करनी थी, तो उस चक्कर में गया था। लेकिन उस फिर मैंने सोचा साथ साथ ना कि मैंने अपना जो इंगेजमेंट वाली मेरी जो ड्रेस थी वो उठानी थी, मैंने एक डिज़ाइनर के पास मतलब वो रह रही है, मतलब थोड़ा सा उसमें एक दो चीज़ें छोटी बड़ी करनी थी, वो करनी रह रही थी, वो उठानी थी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, वहाँ बैठे रहे लेट हो गए, फिर मैं वो भी ना उठा पाया, उसे कल उठाऊंगा। लेकिन भाई एक बात दिल पे लग गई आज, जो उनकी मतलब जो विकास भाई के पास जो गाड़ी है, विकास मतलब एक्सप्लोर द अनसीन जो अपने भाई है, उनके पास जो गाड़ी है भाई वो है मतलब ब्लैक कलर की है उनकी फॉर्च्यूनर, लेकिन भाई इतनी साफ रख रखी है उस लड़के ने भाई, कि अलग ही साफ चमक रही गाड़ी, और मैं अपनी देख रहा, मैंने कहा मैंने इतनी गंदी हालत में रख रखी है। तो इससे मेरे को पता चला कि मैं ना चीज़ों की केयर करने मतलब केयर नहीं होती मेरे से, तो मैं ये थोड़ी सी अपनी आदत सुधारूंगा। वैसे तो मैंने सोच रखा है, वैसे तो तुम यकीन नहीं करोगे, ठीक है, मतलब शादी के बाद, मतलब कुछ दिन बाद, और हफ्ते 10 दिन की बात है, ठीक है, उसके बाद मैं अलग ही रूप में आ जाऊँगा, मतलब जैसे जैसा होता ना जैसे फिल्मों में जैसे तुम हीरो देखते हो ना, वही बन जाऊँगा, मतलब हर चीज़ अलग लेवल पे की, साफ सफाई और सारी चीज़ें, मतलब मैं सोच रखा जिम विम
खतरनाक चीज हो जाऊंगा, मतलब अपने आप में खतरनाक चीज हो जाऊंगा कि देख कैसे लगा भाई क्या चीज आ रही है, ऐसा बन जाऊंगा। पर थोड़ा सा टाइम लगेगा शादी तक, तो मैं ऐसे ही झेलना पड़ेगा, मेरे को दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। गाइस इस ब्लॉग को मैं इमरजेंसी में ही खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अगले ब्लॉग में मिलेंगे, बाल वाल जरूर सेट करवाने, ठीक है।